स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधी जो समस्याएं जीवन में चल रही होती हैं वह दूर हो जाती है, धन में बरकत होती है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को सभी रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ जैसे कष्टदायी रोगों से भी छुटकारा इस व्रत को करने से ही मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। माना जाता है एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है और धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मन चाहे स्त्रोत भी मिल जाए लेकिन पैसे को अपने पास बनाए रखना बहुत मुश्किल है। कई लोगों की यही समस्या होती है कि धन की आवक तो है लेकिन पैसा है कि टिकता ही नहीं। इस समस्या को दूर करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जिन पर प्रसन्न होती हैं, जिनके घर में वास करती हैं, उन्हें कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के घरों में सदैव वास करती हैं। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, पैसा घर में टिकने लगता है और धन की हानि नहीं होती। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है यह उपाय। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल पाए। दोस्तों, यह उपाय आप एकादशी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि एकादशी का पूरा दिन और रात बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल ना हो तो किसी तीर्थ का जल मिला लें या फिर आपके घर अगर लड्डू गोपाल है तो उनका स्नान किया हुआ जो जल है आप उस जल को इस जल में मिला लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं। इस जल के पात्र को आप मंदिर में रख दें। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। ध्यान रखें, दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई प्लेट कटोरी रख दें या फिर कोई कपड़ा बिछा दें। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद दो अलग अलग पात्रों में आप फल और मिष्ठान रखें भगवान जी को भोग लगाने के लिए। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर या मिश्री भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको दो अलग अलग प्लेट ही लेनी है। एक प्लेट आप भगवान श्री गणेश जी के आगे रखें और भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं और दूसरी प्लेट जो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए हैं उस प्लेट में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ध्यान रखें एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल या किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो इसलिए भगवान जी को भोग लगाने के लिए या तो पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लें या पहले नहीं रख पाए हैं तो भगवान जी को आपने पहले जो तुलसी दल का भोग लगाया होगा उस तुलसी दल को ही आप धोकर वापस से आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो तुलसी जी के पास अपने आप से जो टूटकर गिरे हुए पत्ते हैं आप उनको भी धोकर भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप थोड़ी सी हल्दी लें, हल्दी में शुद्ध जल मिलाएं। अब इस हल्दी से सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी के तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के तिलक करें।
तिलक करने के पश्चात आप इस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनकी आरती करें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन एकादशी का व्रत आप रखें या ना रखें, सभी को एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्ट और दुखों को कहें, अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया था, उस हल्दी से अब अपने भी मस्तक पर तिलक करें और मंदिर में जो जल का पात्र रखा है उसे उठाएं। अब इस जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर छिड़काव करने के बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। इसके पश्चात आप अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। यह जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है। इस जल का पूरे घर में छिड़काव करने से घर शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। छिड़काव करने के पश्चात आप अपने ऊपर भी इस जल का छिड़काव करें और अपने परिवार सहित इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, कचरा रखने के स्थान पर या टॉयलेट पर या किसी भी गंदे स्थान पर आप इस जल का छिड़काव ना करें और जिन महिलाओं को पीरियड है उनके ऊपर भी इस जल का छिड़काव ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से घर की शुद्धि होती है, घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। जल का छिड़काव करने के पश्चात जो भी जल बचे आप उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें। अगर यह उपाय आप रात्रि के समय कर रहे हैं तो बचे हुए जल को रात में पौधे की जड़ में ना डालें। इस जल को रख दें और दूसरे दिन सुबह उठकर आप किसी पौधे की जड़ में डाल दें। ध्यान रखें, ऐसे ही पौधे की जड़ में डालें जो साफ स्थान पर लगा हो। जल का छिड़काव करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ साथ आप एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें। भगवान जी के पूजन में भी चावल का प्रयोग ना करें और ना ही चावल का सेवन करें। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। चावल के साथ साथ जौ का सेवन और इस्तेमाल भी एकादशी के दिन नहीं किया जाता। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाते उन्हें इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल तोड़ने चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करने के साथ साथ इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।